माँ जी, जो आपने साध्वी हो और आपने भागवत कथा भी शुरू की है, ये कब से शुरू किया? आपने ज्ञान कब से प्राप्त हुआ? मैंने अपनी सबसे पहली कथा की थी सन 2015 में, और अभी तक मैंने लगभग 20 कथाएं की है, और राम कथा, भागवत कथा। आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? भगवत कथा कहने का आपको मन कैसे आपको मन में आया कि मैं भगवत कथा कहूँ और उसके अलावा कुछ नहीं करूँ? देखिए, सबसे पहले तो परमात्मा की कृपा ही मानी जाएगी। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि के कृपा के संत नहीं मिले और संत नहीं मिलते, और जब संत मिलते हैं तो फिर भक्ति तो स्वतः मिल ही जाती है। संतों का काम ही है भक्ति को बांटना। तो ऐसे ही जीवन में कई संतों का आगमन हुआ, भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उसके बाद ऐसा मन बना कि क्यों ना फिर यही सब किया जाए। अच्छा, तो अभी तक कितनी भागवत कथा कह चुकी हो अभी के? अभी तक 20 रामकथा और भागवत। अब आगे का क्या प्लान है आप? आगे का प्लान है ऐसे ही कथाएँ करेंगे, रामकथा भागवत कथा करेंगे। अच्छा, समाज की सेवा करेंगे। इसके अब लोगों को क्या संदेश देना चाह रही हो आप? संदेश, श्रावण का महीना चल रहा है, पूजा पाठ करें, भगवान की भक्ति करें, और आज शिव त्रयोदशी है, आज शाम को शिव जी की पूजा करने का बहुत महत्व तो बताया गया है, क्योंकि आज प्रदोष दिन है। सच के साथ एक कदम जिनवा टाउन में आपका स्वागत है। मैं जी आपको धन्यवाद, आपने जो हमको टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम, जय। अपना एक अपना एड्रेस बता दो, कहाँ की प्रॉपर रहने वाली हो? वैसे तो मेरा अभी तो फिलहाल में निवास स्थान है भद्रोली, पानी की टंकी, और घूमते रहते हैं वृंदावन, ऐसे आते रहते हैं, बाकी निवास मेरा भद्रोली में। थैंक यू। धन्यवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।